लीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब इस लड़की से बयान आप खुद लीजिए। बेटी पूनम। हाँ पिताजी। ये बताओ तुम्हारे ऊपर गोली किसने चलाई है, तुम्हारा खून किसने किया है? पिताजी मेरे ऊपर गोली चलाने वाले अनवर और बादल सिंह है। ओ माय गॉड, अनवर और बादल। ओ बादल सिंह, बादल सिंह। इंस्पेक्टर साहब ये मैं जानना चाहता हूँ कि पूनम से और तुमसे कौन सी दुश्मनी थी क्योंकि तुमने ये खून किया है? साहब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ना तो झूठ बोलने की आदत है, ना तो जिंदगी में झूठ बोला हूँ। झूठ बोलना पाप होता है, पाप क्या महापाप होता है। सुबह सुबह का टाइम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे कि भास्कर अपने रक्त बरर कीड़ों के साथ उदय अंचल प्रतीत हो रहे हैं, लालमा फैल गई है, कीड़े छिटे, आपके सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये सेवा दल से खड़ी थी, मैं मेवा दल से खड़ा था, इनका वोट ज्यादा पड़ गया, मेरा कम। मैं सोचा इनका जीतना ठीक नहीं है, मैंने अपने जज्बे कर पूनम पर अपने अनवर भाई से गोली मरवा दिया। दोस्त अनवर। लेकिन बादल सिंह तुमने अपने दोस्त अनवर से गोली चलवाई है, तो ये इल्जाम जो है कमल पर क्यों लगाया है? आपको क्या जानना चाहता हूँ? ठीक पूछ रहे इंस्पेक्टर साहब, कमल से मुझसे बहुत लंबी दुश्मनी थी। मैंने सोचा कि पूनम के खून का इल्जाम कमल पर लगा दूंगा, कमल एक दिन पकड़ा जाएगा, उसकी फांसी हो जाएगी, इधर हम लोग कानून से बच जाएगा। इन्हें अपनी जान ऐसा किया है? जी हाँ, जा सकता हूँ। देशरम नहीं तो टिकट तो भी जान ना भाई। जरा मौलाना जी जरा। हाँ साहब, क्या बात है? एक बात सुन लो मुल्ला जी, साफ साफ बताना बेटा, नहीं बेसरम साले दाढ़ी पर नहा दूंगा, सुन देगा नहीं? ये बताओ दुश्मनी पूनम और कल थी, तो गोली तुमने क्यों चलाई है? हाँ देखिए साहब, पूनम पे गोली मैं इसलिए चलाया कि आज तक जो काम किया है हम और बादल दोनों साथ मिलकर किया है। वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ, इसलिए मैंने दोस्ती का फर्ज अदा किया। मैं बादल के कहने पर, अपने दोस्त के कहने पर, इसलिए पूनम पे गोली चलाया। यानी दोस्ती का फर्ज अदा किए हो? जी हाँ। अच्छा ये बताओ क्या यही काम किए हो कि जिंदगी में और कोई काम किए हो? देखिए साहब, जिंदगी में मैंने बहुत बहुत सा जुल्म किया है। कौन कौन ये जुल्म किया है? कि अपने हिंदुस्तान के आदमियों का कलेजा निकाल करके विदेश में बेचते हैं साहब। मैं देशद्रोही हूँ, देश का गद्दार हूँ, अपने हिंदुस्तान में मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ साहब। समझ गया समझ गया, लेकिन मुझे कुछ शक है। क्या शक है? शक यह है, साफ साफ एक बात और बताओ, तुम्हारा नाम अनवर खान है या मोहम्मद इदरीस है? साहब आप ठीक पूछ रहे हैं, ना तो मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है और ना ही मेरा नाम अनवर खान है। मेरा असली नाम है डाकू जंजीरा सिंह, डाकू जंजीरा सिंह, डाकू जंजीरा सिंह। क्या कहा? डाकू जंजीरा सिंह? जी हाँ। मुझे पहचान रहे हो? इंस्पेक्टर साहब आपको अच्छी तरीके से पहचान रहा हूँ, आप है ठाकुर कुंदन सिंह। जिस वक्त आपने मुझको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया था, जब मैं जेल से 6 महीने के बाद जमानत से छूटा, तो छूटने के बाद क्या किया कि आपके घर में मैंने डाका डाल दिया। डाका डाल देने के बाद जो आपकी पत्नी दुर्गावती थी, मैंने उसको गोली से उड़ा दिया। उसको गोली मार देने के बाद उसके गोद में जो 5 वर्ष का बच्चा था, मैंने उसको उठा लाया और उसका परवरिश किया। परवरिश इसलिए किया, उसको उठाकर इसलिए लाया कि मैं सोचा था कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो वो मेरी सेवा करेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब उसके बदन में कोढ़ हो गया, जब उसके बदन में कोढ़ हो गया तो मैं उसको एक बोरा में भर के ले जाकर के ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया।
मैं सोचा कि मर जाएगा, लेकिन वह मरा नहीं है, वह है आपका लाल अभी जिंदा है। साहब यहाँ पर वह मौजूद है और यहाँ पर आपका लाल जिंदा है। क्या कहा, अभी मेरा बेटा जिंदा है? जी हाँ। लेकिन कहाँ है, कौन है ये बताइए। यदि आपका लाल आपकी नजर के सामने आए आप पहचान लेंगे। हाँ तो ठीक पूछ रहा है। हाँ मैं पहचान लूंगा। क्या पहचान है? मेरे बच्चे का पहचान ये है कि दाहिने हाथ पर एक लक्षण का निशान इस गार्ड के पास। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर अपने लाल से मिलना चाहते हैं तो मिल लीजिए। ये रहा आपका लड़का कमल उधर खड़ा है, ये है, यही है आपका लड़का, मिल लीजिए। लेकिन डाकू जंजीरा सिंह। हाँ साहब। तुम साले दाढ़ी रखाकर मुसलमानों का नाम खराब कर रहा था और हिंदुस्तान के आदमियों को मार मार कर कलेजा निकाल के बाहर निकाल करता था। आप बेसम नाराज साले, मैं तेरी दाढ़ी भर के फेंक दूंगा। और बेसम नाराज है तो ठीक है बेटा, चलो इस पर मत पीछे। नेताजी को टोपी उतार लो और इस वक्त मिसाल की टोपी उतार लो, दोनों को साले गिरफ्तार कर लो। जाओ जाओ पिताजी। क्या है? आपने मुझसे किसी दिन एक कहा था कि बेटी मैं तुम्हारे पति से जरूर मिलवाऊंगा। बोले पिताजी इस वक्त मेरे पति जी कहाँ हैं? हाँ बेटी याद आया, मैं तुमसे वादा किया था कि अगर तेरा पति दुनिया में जिंदा होगा तो एक दिन तेरे सामने जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। बेटी देखो ये दुनिया जो है बहुत बड़ी है, मुझे भ्रमण करना ठीक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि महात्मा जी बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, मैं इनसे अपनी फरियाद सुनाऊ, अगर तेरा पति दुनिया में जिंदा होगा जरूर बताएंगे। जैसी आपकी मर्जी हो पिताजी। देखो साइड हो जाओ महात्मा जी। नर हरि नर हरि कैसे बात। देखिए माता जी आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, प्रार्थना यह है कि मेरी बेटी पूनम का पति जो है ये दुनिया में खोया हुआ है, आप ये बताएं इसका पति मर गया या जिंदा है, अगर कहीं जिंदा है तो पता बता दो, मैं जाकर के उसे बुला लाऊं। यही है आपकी बेटी जी? जय माँ वैष्णो देवी। माँ इसका पति गायब हो गया है, जिंदा है तो बताओ माँ कि कहाँ है, मर गया है तो कोई बात नहीं है। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। चमत्कार ही चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार। ध्यान लगाने के बाद दृव्य दृश्य देखने के बाद पता चला है कि मृत्योक में इसका पति अभी जिंदा है। क्या कहा जिंदा है जी? लेकिन महात्मा जी ये भी जानना चाहता हूँ किस जगह पर है, कहाँ है, वहाँ का स्थान का नाम जानना चाहता हूँ। साहब बता दूँ साहब, अगर कहिए तो मैं साहब ओम नमः शिवाय, इसका पति कहाँ है माँ, वैष्णो माँ बताओ इसका पति। साहब पता चल गया, भारत के उत्तर प्रदेश में जिला प्रतापगढ़ मशहूर साहब, जिला प्रतापगढ़ में साहब राजस्थान गेस्ट हाउस साहब, उसी गेस्ट हाउस में इसका पति कैसेट लगा करके साहब वीडियो सुन रहा है, गंगा कैसेट सुन रहा है साहब। महात्मा जी ये बताइए कि आप अपने तपोबल द्वारा यहाँ बुला लेंगे या मुझे राजस्थान के शहर तक जाना पड़ेगा? अगर कहें साहब तो मैं वहां से खींच करके आपके सामने ला करके उसे पेश कर दूं। बड़ी मेहरबानी होगी। जय माँ वैष्णो देवी, इस पति को हाजिर। आओ पूनम हमारे गले से लगो, तेरा स्वामी
पवन सामने है खड़ा, लाल चंदर गजब की कहानी लिखा। दुश्मन के पाप का फुट गया है पवन, पवन मेरे छोटे भाई पवन, मैं पापी हूँ, अन्यायी हूँ, अत्याचारी हूँ। मेरे छोटे भाई, मैं अपने आप को भूल बैठा, मैं शराब के नशे में आकर तुमको घर से निकाल दिया, हर प्रकार से सताया। मेरे छोटे भाई, मुझको माफ कर दो, मुझको माफ कर दो, मैं तेरे पांव को पड़ रहा हूँ। भैया, आप मेरे पांव पड़ कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे नरक में मत डालिए। मैंने जैसा कर्म किया मुझे उस तरह से फल मिला, आप जैसे कर्म किए हैं भाई आपको फल मिला। भाई मैं तो आपसे यही कहूंगा, आज आप जेल जा रहे हैं, इसलिए भैया जाते जाते ये अपनी बहन जो किरण है कमल से प्यार करती है, इसलिए भाई हंसी खुशी से बहन किरण का हाथ कमल के हाथों में देते जाइए। बहन किरण, बहन मैं पापी हूँ, अत्याचारी हूँ, कसाई हूँ। बहन जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ बहन। मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं तेरी शादी किसी अच्छे घराने में करूंगा, लेकिन बहन मैं तेरी शादी नहीं कर सका। बहन तुम कमल से प्रेम करती हो तो सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, कमल का खानदान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहन मुझको माफ कर दो, मैं तेरा हाथ कमल के हाथ में सदा सदा के लिए दे रहा हूँ। बहन मुझको माफ कर दो, कमल कमल। बहू 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 पूनम, आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव बहू। अरे पगली तू रो रही है, इस खुशी में तू रो रही है, आज अपने पति के घर जा रही है। मत रो बहन, मत रो, रो नहीं पगली, रो नहीं। मैं खिचड़ी के दिन 14 जनवरी को तेरे घर खिचड़ी लेकर जरूर आऊंगा। रो रही है पगली, चल जा अपने पल्लाई ले जाओ, लिया जो बांधो इशारे। चलो किरण, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, आइए मेरे साथ। मेरे बहनी के साथ आया मत, समझा कि नहीं। जाओ ननद रानी, अपने घर खुशहाल रहो। जाओ ननद, जाओ किरण, बदल सिंह, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, आज जेल जाते जाते अपने भाई के सामने कुछ गलतियां मान लो, जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। जितने भाई कैसेट सुनने वाले हैं, गंगा कैसेट देखने वाले हैं, गंगा कैसेट सुनने वाले हैं, सभी भाइयों से गलती की मांगो, माफी मांगो। तो बन भाइयों, जैसे मैं किया वैसे भाई देखकर बनने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो यही सजा मिलेगी। मेरी गलती सदा सदा के लिए माफ कर दो। सुन ले तो आओ साथियों, तो ये रहा हमारे श्री राम खिलावन मास्टर की शानदार नौटंकी का प्रोग्राम। तो संगीत का नाम काली दुल्हन उर्फ दगाबाज नेता। हाँ साथियों, तो ये संगीत गंगा कैसेट की तरफ से, गंगा कंपनी की तरफ से आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा था। गंगा कैसेट बजाना और गंगा कैसेट देखना ना भूलें। तो एक बार बोलिए माँ वैष्णो देवी जी की जय। प्रभु शोधा तेरा किला बिहार, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु